लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में, डिमांड के बारे में। आज उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। नोट करते चलेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में होना है, इसलिए आप लोगों को मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर शेप में पूरा सिलेबस पूरा करा रहा हूं, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें, अकॉर्डिंग टू मार्शल According to Marshall, there is then one general, law of demand. The greater amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchaser or in other words the amount demand increases with a fall in price and diminishes with a rise in Price. क्या मतलब हुआ इसका? मार्शल साहब ने क्या कहा, किसी वस्तु की अधिक मात्राओं में बिक्री के लिए अगर हमें ज्यादा माल बेचना है उनके मूल्य में कमी होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें ज्यादा माल बेचना है तो उसके दाम को कम करो जिससे उसके अधिक ग्राहक मिल सकें। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कहा, मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में कल हम बात कर चुके थे, आज हमने उसको लॉ ऑफ डिमांड की शेप दे करके अब हम उसे क्वेश्चन आंसर शेप में लेते हुए चल रहे हैं। आगे इसमें हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी explanation of the theory with the help of table चलिए एक टेबल बना लेते हैं इस काम के लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा उसके मुताबिक
प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी ले लिया, एंड डिमांड इन यूनिट्स। मान लेते हैं ये 35, 30, 25, 20, 15, 10, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहां पे 5-5 का इंटरवल दे दिया है, जरूरी नहीं है कि इंटरवल हो भी हो भी। डिमांड आपने कहा सपोज 2 पीस की है, 3 पीस की है, 5 पीस की है, 8 पीस की है, 12 पीस की है, सपोज 16 पीस की है। यहां पे गौर से देखिए, मैंने यहां पर कमोडिटीज को एक पर्टिकुलर स्टेप में प्राइस को घटाया है, लेकिन डिमांड में वो सीक्वेंस वो नहीं है। 35 रुपए का अगर डिमांड है, मान ले प्राइस है, तो डिमांड है कितनी, 2 यूनिट की। 30 रुपए का डिमांड है तो सॉरी प्राइस है तो डिमांड 3 की। वहीं कंट्रेरी टू, अगर 10 रुपए के आपका प्राइस है तो डिमांड आपकी 16 यूनिट्स की है। एंड इट कैन बी, यानी कि इसके आधार पर अगर हम कहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर इधर क्या आ गई आपकी यूनिट्स और इधर क्या आ गया आपका प्राइस। तो देखिए गौर से समझिए, प्राइस अगर इतना है तो डिमांड इतनी रह जाती है, लेकिन अगर प्राइस इतना हो जाता है तो डिमांड आपकी बढ़ करके इतनी हो जाती। बिल्कुल क्लियर हो जाती है कहानी, यानी कि इसका मतलब ये क्या कहानी बनी हमारी है आपकी, 0 मतलब ये क्या बन गया आपका, डिमांड कर्व। मैं समझता हूं कहानी क्लियर, चैप्टर क्लियर हो जाता है हमारा, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या कहा, क्या चीज हमारी समझ में आती है कि जैसे जैसे डिमांड प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घट जाएगी। चलिए हेडिंग डालेंगे, व्हाई डज डिमांड कर्व, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ क्यों जाता है। जैसा अभी हमने देखा, क्या देखा, ये देखिए नीचे को जा रहा है, ये नीचे को क्यों जाता है, इसके बारे में हमने वैसे तो डिटेल में मांग के साथ में हमने पढ़ा था, फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कारण क्या है, नंबर 1 diminishing diminishing marginal utility, घटते हुए क्रम से आपको उपयोगिता प्राप्त होती है। हर अगला कंजम्पशन, हर अगला उपभोग आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम कर देता है। नतीजा क्या निकलता है, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम करते चले जाएंगे। नंबर 1 कारण होता है। नंबर 2 होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। डिमिशिंग मार्जिन क्या था, ह्रासमान ह्रासमान सीमांत सीमांत तुष्टिकरण
प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका अगर दाम घट गया, प्राइस, आपने प्राइस डिमांड, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ रही होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस प्राइस के घटने के कारण जो आपका प्रतिद्वंदी पदार्थ है जैसे चाय और कॉफी, अगर अगर चाय के दाम और ज्यादा गिर जाएं, तो ऐसा संभव है कि कुछ कस्टमर कॉफी को छोड़ करके आपके चाय के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगे। मतलब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ी, बिकॉज ऑफ प्लस न्यू सब्स्टिट्यूशन कस्टमर्स, नए ग्राहक आ गए आपके पास। वो ग्राहक कहां से आ गए, किसी और प्रोडक्ट की डिमांड को छोड़ करके आपके पास आ गए। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी जो अपना रोल प्ले करता है जिससे कि आपकी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स हो सके। तीसरा कारण क्या कहलाता है, नंबर थर्ड, इनकम इफेक्ट। गौर से देखिए, ये वही पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आय प्रभाव, अगेन अगर हम उसी बात को फिर से करें, प्राइस डिमांड, अगर आपकी आमदनी यथावत है, स्टेबल है, प्राइस माइनस प्लस, जैसे ही आप दाम कम करते हैं तो गरीब आदमी जिसकी पहुंच में वो प्रोडक्ट नहीं था वो भी उस प्रोडक्ट को खरीदने की सोचने लगता है। उल्टा एग्जांपल है, चाय कॉफी, कॉफी महंगी है, चाय सस्ती है, अगर कॉफी के दाम गिर जाते हैं, डाउन कर दिए जाते हैं, तो वो कस्टमर जो कॉफी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो भी अब कॉफी खरीदना अफोर्ड कर पाएगा, नतीजा डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस कम होने के साथ साथ अगर इनकम इफेक्ट को भी जोड़ा जाए तो भी आपकी जो कर्व है वो डाउनवर्ड जाती है। नंबर नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कंज्यूमर्स नंबर। अभी मैंने जैसे बताया आपसे, प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वो क्या कहलाता है आपका, चेंज इन कंज्यूमर नंबर, उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। यहां पर एक चीज देखेंगे, इनकम अगर बढ़ जाती है तो भी आप डिमांड बढ़ा देते हैं, और इनकम कम हो जाती है आपकी और प्रोडक्ट आपका आपकी जरूरत है तो भी डिमांड आपकी इंटैक्ट रहती है या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ी मजेदार चीज है ये। तो कंज्यूमर की संख्या इनकम और सब्स्टिट्यूशन इन दोनों की वजह से भी बढ़ती है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्या इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या ऐसा संभव है एक्सेप्शंस कि प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए, या प्राइस घटे बजाय डिमांड बढ़ने के डिमांड घट जाए। ये कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है, नंबर वन, फॉल्स शो, मिथ्या आकर्षण। थोड़ा
छोटा सा एग्जाम्पल, ये मिथ्या आकर्षण का मतलब क्या है? हम कोई प्रोडक्ट कभी कभी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे मन में ये एक मतलब हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि जब हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा तो लोग हमें बड़ा आदमी समझेंगे। जैसे कल भी एक बच्चे ने मुझे एग्जांपल दिया था आईफोन का, वही चीज है, 125,000 रुपए का आईफोन है, वही तो दूसरा उसी का था, बिल्कुल वही फंक्शंस, वही सब चीज एंड्रॉइड पर आपको 30-35,000 रुपए मिल जाता है, बिल्कुल वही क्वालिटी, सब कुछ वही है, लेकिन आदमी उसे छोड़ करके आईफोन खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि यह है फॉल्स शू। उसे वही आईफोन, गौर से समझिए, वही आईफोन जब उसके दाम गिरा दिए जाते हैं तो उसकी सेल बंद हो जाती है। नया मॉडल आता है, पुराने मॉडल के दाम गिराते हैं, उसकी सेल खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह है फॉल्स शू। फॉल्स शो के कारण भी कभी कभी प्राइस गिरने पर डिमांड गिर जाती है। दूसरा, फियर, फियर ऑफ राइज इन प्राइस, मूल्य वृद्धि की आशंका। अच्छा, याद कीजिए, जब लॉकडाउन पीरियड लगा हुआ था, पूरा सब बाजार पूरा बंद था, तब क्या हो रहा था? सब कुछ बंद, सब्जी वाला कोई बाजार से निकल भर जाता था, आपको जरूरत 1 किलो की होती थी लेकिन आप उससे 3 किलो सब्जी खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा था? लॉकडाउन पता नहीं कितना लंबा चलेगा, पता ही नहीं कल ये सब्जी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कल इसके दाम पता नहीं बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो कल के इस उम्मीद में आज दाम आपका ज्यादा होते हुए भी आप डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी कि कल अगर दाम बढ़ने की आशंका है तो आज आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है आपका? इग्नोरेंस। अज्ञानता। कभी कभी मतलब इसको ऐसे सुनिए, कैसे कहा जाए, हमारी अज्ञानता भी कभी कभी हमें महंगा चीज खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। हम क्या मान के चलते हैं? हम महंगा है तो अच्छा होगा। सर, वो कहते हैं महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, ये जो कहावत है ये है उसका। हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट दो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आप बाजार जाते हैं, आपने कहा मेरे मोबाइल की बैटरी बदल दो भाई, वो दो बैटरी निकाल के आपके सामने रखता है, सर ये ओरिजिनल है और सर ये आप बस चुप हो जाता है, ये कितने की है? ये 3,000 की है। ये कितने की है? ये 1,000 की है। आपके मन में तुरंत बात आती है यार ओरिजिनल खरीदेंगे, आप ये देखने की जहमत भी नहीं उठाते कि दोनों बैटरियां एक ही कंपनी की बनाई हुई हैं। केवल कस्टम दुकानदार ने कह दिया कि साहब ये ओरिजिनल है, ये इतना सस्ती है, आपके मन में एक बात आ जाती है कि महंगा है तो अच्छा होगा, खरीद लेते हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से भी कई बार दाम बढ़ते हुए आप डिमांड बढ़ा देते हैं। और क्या हो सकता है? इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी मतलब वस्तु की क्वालिटी में सुधार।
वस्तु की क्वालिटी में सुधार, ये बड़ी मजेदार चीज है। क्या हुआ साहब, नया मोबाइल लेना है, क्यों लेना है, पिछले वाला मोबाइल जो है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा था, अब जो नया मोबाइल आया है ना उसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसलिए मुझे अपना मोबाइल बदलना है। अच्छा भला चल रहा है, सब कुछ है, परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन क्यों बदल रहा है, क्योंकि किसी फीचर में कोई परिवर्तन आ गया। तो अगर ऐसा होता है, अब ये क्वालिटी में तो सुधार किया है, ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से आपके दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ने के बावजूद चूंकि आपको आश्वासन क्या दिया जा रहा है, क्वालिटी सुधर गई है इसलिए आप डिमांड बढ़ा देते हैं, ये बड़ी मजेदार स्थिति हो जाती। और एग्जांपल देता हूं मैं इसको, चाय आप 5-स्टार होटल में पिए, आप थड़ी पर जाकर के पिए, कॉलेज की कैंटीन पर पिए, अपने घर पर पिए, वही 3-4 चीजें होंगी, चाय की पत्ती होगी, अदरक होगा, कोई मसाला होगा, दूध होगा, चीनी होगी, पर एक जगह चाय है 10 रुपए की, एक जगह चाय है 200 रुपए की। हम क्या कह सोचते हैं, 5-स्टार वाले ने इसमें बढ़िया क्वालिटी डाली, दार्जिलिंग से चाय आई है इसलिए 200 की है। तो अगर क्वालिटी बढ़ी हुई होगी तो भी आप डिमांड बढ़ा देते हैं, दैट इज इसमें एक साथ 2 बातें कवर होती मेरी, अज्ञानता भी कवर होती है और क्वालिटी में सुधार, दोनों चीजें आती हैं इसके अंदर। नंबर नेक्स्ट क्या कहलाता है आपका, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, आपातकाल। अभी हुआ था ना लॉकडाउन, आपातकाली तो था, प्राइस कहीं भी जाए डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आपको कल का कोई भरोसा नहीं होता, डिमांड बढ़ेगी। नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, नेसेसिटीज। आवश्यक आवश्यकताएं, आवश्यक आवश्यकताएं, नमक, दाम घट जाएंगे तो क्या नमक खाना ज्यादा कर शुरू कर दोगे, और अगर दाम बढ़ जाएंगे तो क्या नमक खाना छोड़ देंगे, जितनी जरूरत है उतना तो हमको डिमांड रखनी ही पड़ेगी, आवश्यक आवश्यकताएं हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे इस चीज का, नमक की बात की, शुगर की बात नहीं की, डॉक्टर ने कह दिया साहब डायबिटीज हो गई है अब आपको शुगर नहीं खानी, तो आप चीनी छोड़ देंगे, लेकिन नमक नहीं, वो तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसे उसको क्वांटिटी को ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। तो आवश्यक आवश्यकताएं जो होती हैं उनके केस में भी, उनकी दशाओं में भी यह नियम फेल हो जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है, ये तो थी डिमांड, अब एक चीज और निकल करके आती है, वो क्या है, सप्लाई, पूर्ति। पूर्ति का कहानी बड़ी विचित्र होती है, ये सप्लाई डिमांड के उल्टा चलेगी, बड़ी मजेदार बात है ये, सप्लाई कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। कैसे, लॉकडाउन का टाइम था, सबको पता था सब्जियां महंगी बिक रही हैं,
तो क्या किसान के पास कोई ऐसा तरीका था कि वो शाम को बीज डालता, खाद डालता, पानी डालता, सवेरे लौकियां तैयार, तोरियां तैयार, पत्ता गोभी तैयार, गोभी तैयार? नहीं, उसके लिए तो अपना प्रॉपर टाइम लगेगा। सप्लाई डिमांड आज है, सप्लाई 3 महीने बाद है, तो सप्लाई डिमांड के उल्टा चल रही है। तो जिस प्रकार से एक डिमांड का नियम बना, बिल्कुल उसी तरह से एक सप्लाई का नियम भी बनेगा। तो कल हमारी आपकी जब मुलाकात होगी, हम सप्लाई यानी कि पूर्ति के नियमों की बात करेंगे।